नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ अच्छी सी एक जॉब अपॉर्चुनिटी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है वो अपॉर्चुनिटी। आपने ये सुना होगा दोस्तों, इरकॉन लिमिटेड इंटरनेशनल लिमिटेड का नाम सुना ही होगा आपको आपने। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में टॉप की कंपनी है दोस्तों ये, और दिल्ली की कंपनी है, मतलब हेड ऑफिस उसका दिल्ली में है उसका। तो चलिए दोस्तों कितने वैकेंसी वो देख लेते हैं। टोटल दोस्तों वर्क्स इंजीनियर सिविल वाली सिविल के लिए जो है 60 वैकेंसी दोस्तों, टोटल 60 वैकेंसी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको 36,000 पर मंथ मिलने वाला है सैलरी वो कंसोल फिक्स कंसोलिडेटेड पे। और आपका जो एज लिमिट हो दोस्तों चाहिए दोस्तों वो 30 इयर्स, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1/3/2021 जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, एक तारीख से वो स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख तो मतलब उस दिन आपका एज जो है 30 ईयर होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर नहीं, कम चलेगा बट उसके ऊपर नहीं चलेगा तो दोस्तों। और उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है वो फुल टाइम अपने डिग्री की होनी चाहिए AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, और आपको उस डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, मतलब 60% आपको 60% होने ही चाहिए तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस के पास है उसके लिए है, और अच्छे अपॉर्चुनिटी दोस्तों, इसलिए ये आपके दोस्तों को शेयर कीजिए जिसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और 60% है उनको शेयर कीजिए दोस्तों ये वीडियो, ठीक है दोस्तों। और आपको जो एज रिलेक्शन है, रिलेक्सेशन मिलता है और रिजर्वेशन वाइज, मतलब यू आर जो है अंडर रिजर्व कैटेगरीज उनके लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए मिल सकते हैं दोस्तों, 3 इयर्स और 2 इयर्स मिल सकते हैं, 3 इयर्स रहता है बट डिपेंड ऑन स्टेट। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है इसलिए वो बाहर स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं रूल्स, बट महाराष्ट्र में 3 इयर्स का मिल जाता है ऐसा, ओके दोस्तों। और आपकी जो पोस्टिंग रहने वाली दोस्तों वो छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, इस स्टेट में हो सकती है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिसेस है इस स्टेट में वो है दोस्तों, इसलिए इस स्टेट में आपकी ट्रांसफ़र वगैरह हो सकती है, और अपॉइंटमेंट भी आपको इस स्टेट में मिल सकती है, अभी उनके प्रोडक्ट इस स्टेट में चालू है अभी। और दूसरी जो वैकेंसी दोस्तों वर्क इंजीनियर, ये सिविल के लिए नहीं दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर वाले ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके लिए, और उसको भी 36,000 ही वैकेंसी आप लोग पे है दोस्तों, सैलरी 36,000 ही मिलने वाला है उनको भी, और उनके लिए टोटल वैकेंसी जो है दोस्तों 14 वैकेंसी मिली है उनको। और ईवार के लिए मतलब अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसकी उनके लिए 8 वैकेंसीज है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, EWS के लिए भी 1 है दोस्तों, और उसके लिए भी जो एज रहेगा वो 30 ईयर ही होना चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर नहीं चलेगा, कम चल सकता है बट ऊपर नहीं। और उसके लिए रेलवे में एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिग्नलिंग, ओके दोस्तों। और आपका जो सिलेक्शन रहेगा दोस्तों रिटर्न एग्जाम हो सकती है या इंटरव्यू भी हो सकती है दोस्तों, उसमें फैसिलिटीज बहुत है दोस्तों इस कंपनी में बहुत, मतलब आपको PF ESI वगैरह सब मिल सकते हैं, पॉलिसी वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह रहती है आपकी इस कंपनी में। और आपको अप्लाई कैसे करने का है ये आपको पता नहीं हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा एक दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो मतलब 18 तारीख है, 18/3 दोस्तों, 18/4 सबमिशन ऑफ है, देखिए दोस्तों पोस्ट दो वर्क इंजीनियर है उस पोस्ट के लिए 18/4 है, और वर्क इंजीनियर SNT उसके लिए भी 18/4 है दोस्तों, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन एट दिस ऑफिस 28/4 को सबमिट करने की आपको, ओके दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और आपका ये
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।